जहानाबाद जिला पदाधिकारी रिचि पांडे द्वारा कार्यालय प्रकोष्ठ में 2022-23 में एथलेटिक्स एवं तलवारबाजी कराटे में पदक प्राप्त विभिन्न खिलाड़ियों को मोमेंटो देकर प्रोत्साहित किया गया, जिनमें अमित कुमार द्वारा बालक वर्ग में अंडर 17 बिहार सब जूनियर स्टेट तलवारबाजी एवं कराटे चैंपियनशिप 2022-23 में कांस्य पदक प्राप्त किया है। वहीं दूसरे आशीष कुमार द्वारा अंडर 14 बालक वर्ग में बिहार सब जूनियर स्टेट तलवारबाजी चैंपियनशिप 2022-23 में कांस्य पदक प्राप्त किया गया है। वहीं कुणाल सिंह आर्या द्वारा अंडर 14 बालक वर्ग में बिहार सब जूनियर स्टेट तलवारबाजी एवं कराटे चैंपियनशिप 2022-23 में रजत पदक प्राप्त किया गया है। रोहित कुमार द्वारा अंडर 14 बालक वर्ग में बिहार स्टेट सब जूनियर कराटे चैंपियनशिप 2022-23 में कांस्य पदक प्राप्त किया गया है। जसवंत सरोज अंडर 17 बालक वर्ग राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता 3000 मीटर में रजत पदक प्राप्त किया गया है। आकांक्षा कुमारी स्टेट अंडर 17 बालिका वर्ग सब जूनियर एथलेटिक्स स्टेट प्रतियोगिता में कांस्य पदक प्राप्त किया गया है एवं जूनियर नेशनल में सहभागिता रही है। इनकी उपलब्धि की सराहना करते हुए जिला पदाधिकारी ने शुभकामना देते हुए उत्कृष्ट प्रदर्शन करने एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर उपाधीक्षक शारीरिक शिक्षा सुश्री निकिता, सचिव कराटे तलवारबाजी संघ अनुशक्ति सिंह, एथलेटिक्स खिलाड़ी जसवंत सरोज के कोच ज्योतिष कुमार, कार्यालय कर्मी रश्मि सौम्या उपस्थित थे। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज़ के लिए। 4-5 दिन पहले से मुझे इन्फॉर्मेशन मिला जहानाबाद खेल ऑफिस से कि आपके तलवारबाजी बच्चे और कराटे के बच्चे जो भी 2022 में मेडलिस्ट हुए हैं राज्य स्तरीय, उनको जिला पदाधिकारी रिचि पांडे जी सम्मानित करेंगे। आज क्या हुआ? आज उसी सिलसिले में हम लोग जिला पदाधिकारी रिचि पांडे जी के पास, सर के पास हम आए हुए थे और बच्चों को उन्होंने सम्मानित किया। और बहुत खुशी की बात है कि हमारे प्रभारी खेल पदाधिकारी निकिता मैम और जहानाबाद जिले के DM रिचि पांडे जी ने बच्चों को सम्मानित किया। जैसे हम जैसे कोचों का दिल सीना पर चौड़ा हो जाता है अगर बच्चा सम्मानित होता है तो, और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि जिला आज हमारे बच्चों को सम्मानित किया। किस तरह के खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? यहाँ पर हमारे बच्चों को कराटे जो राज्य स्तरीय मेडलिस्ट हुए उनको, और जो तलवारबाजी में राज्य स्तरीय मेडलिस्ट हुए उनको सम्मानित किया गया। ठीक।